साथियों, अब आपको गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ उपस्थित हैं यूट्यूब चैनल मालिक राम वर्मा। यूट्यूब चैनल पर जाइए, मालिक राम वर्मा लिखिए और सर्च कीजिए, उसमें आपको बहुत से गणित के बना बनाए वीडियो आपको मिलेगा। आज हम आपके मांग पर ही कि आपने कमेंट किया था कि सर दो और तीन अंकों का गुणा आपने तो बता दिया, अगर चार अंक का गुणा रहेगा तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हमने चार अंकों का गुणा बहुत सरलता से कैसे हल करेंगे ये बताने के लिए यहाँ है। और देखिए, कोई मैं प्रश्न ले लेता हूँ, दो तीन चार एक गुणा तीन एक दो चार, ये प्रश्न है हमारा 2341 गुणी 3124, इसको हम बहुत ही सरलता से कैसे हल करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे समझिएगा और इसी प्रकार से जब समझ आ जाएगा तो अपने घर में आप कॉपी निकाल कर और दूसरा प्रश्न हल करके और उसको सरल करेंगे तो और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा। सबसे पहले हम इसमें इकाई और इकाई का गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे? इकाई और इकाई का। तो चार एकम कितना हुआ? चार। ध्यान से देखिएगा, वीडियो से नजर न हटाइए और इसको अच्छे समझ लीजिए तो बड़े से बड़े प्रश्न जो है आपको बहुत ही सरलता से ज्ञात हो जाएगा। चार एकम चार, इकाई का एक गुणा। सेकंड बार में हम करते हैं इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे दो एकम दो, चार एकम सोलह, सोलह और दो होता है अट्ठारह, अट्ठारह का आठ हासी एक। दूसरा भी समझ आ गया होगा, इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई। तीसरे बार में हम करते हैं इकाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई और दहाई का लंबवत। देखेंगे एक एकम एक, तीन चौक बारह, बारह और एक तेरह। अब दहाई का लंबवत करेंगे, चार दुनी आठ, कितना हुआ? बारह और एक तेरह, तेरह आठ इक्कीस, इक्कीस और एक हासिल आया है उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? बाईस, बाईस कर दो हासिल एक। चौथे बार में इकाई और हजार का गुणा करेंगे और दहाई और सैकड़ा का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इकाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखेंगे तीन एकम तीन, दो सौ आठ, आठ से ग्यारह, चार एकम चार, ग्यारह चार पंद्रह, तीन एकम एक, तीन दूनी छः, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस का तीन हासिल दो हुआ। अब हमारे चारों संख्या एक बार जब गुणा हो जाता है तो पांचवें बार में हम करते हैं इकाई को छोड़ देते हैं और दहाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सैकड़ा का परपेंडिकुलर। तो क्या किए? दो दुनी चार, चार किया बारह, बारह और चार होता है सोलह, सोलह उसके बाद तीन एकम तीन, सोलह तीन उन्नीस और उन्नीस और दो को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास इक्कीस हासिल दो। उसके बाद दहाई को भी हम छोड़ देते हैं और सैकड़ा और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दो एकम दो, तीन किया नौ, नौ और दो होता है ग्यारह और ग्यारह दो हासिल है तो हो जाएगा तेरह हासिल एक। उसके बाद सैकड़ा को भी छोड़ दिए, फिर हजार का लंबवत गुणा करते हैं तो तीन दुनी छः और एक हासिल आया है तो कितना हो गया? सात। इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में प्राप्त हो जाता है। एक और प्रश्न देखते हैं हम, तीन दो चार पाँच गुणा दो चार तीन, तीन एक। प्रश्न और एक बार अच्छे समझिएगा कि हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। एक बार जब अच्छे समझ आ जाएगा, विधि हमको दिमाग में बैठ जाएगा तो हम कोई भी प्रश्न को सरलता से हल कर लेते हैं, इसमें कंप्यूटर दबाने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले हम इकाई इकाई का गुणा करेंगे, तो इकाई इकाई का गुणा करते हैं कितना होगा? पाँच एकम पाँच, कितना समझ आ गया? अब पाँच एकम पाँच हुआ
उसके बाद इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से। तो 5 + 15 = 4, 15 और 4 कितना हुआ 19 का 9 + 8। उसके बाद सैकड़ा और इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई का नंबर देखेंगे 2 × 2 = 20 और 2 को जोड़ देंगे तो 22 और 4 + 12 22 और 12 34 और वहां से लेकर है हमारा 35 का 5 हासिल 3। चौथे बार में क्या करते हैं इकाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 और 3 × 3 10 और 3 कितना हुआ 13 4 × 16 13 और 16 होता है 29 2 × 3 = 6 29 और 6 होता है 35 हासिल आया 3 तो 35 से कितना हो गया 38 38 का 8 हासिल 3। उसके बाद चारों संख्या जब हो जाता है तो हम इकाई को छोड़ते चलते हैं। चलिए 3 × 3 = 9 4 × 8 9 और 8 होता है 17 और 2 × 8 17 × 8 = 25 25 × 3 = 28 का 8 हासिल 2। फिर दहाई को भी छोड़ते हैं अब 4 × 12 2 × 4 12 और 4 होता है 16 और 16 × 2 = 18 हासिल 1। फिर सैकड़ा को भी छोड़ते हैं 3 × 6 और 6 कितना हुआ 7। इस प्रकार से हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। साथियों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। साथियों मालिक राम वर्मा चार्ज रहते तक आपको गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से गणित को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो समझ नहीं आया है या आगे और क्या समझना है ये कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ध्यान रहे YouTube पर मालिक राम वर्मा चार्ज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।